राष्ट्रपति के रूप में देश के सेवा करते हुए मुझे कई समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। शिक्षा संस्थान में जाकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। मुझे संतोष का अनुभव होता है कि हमारे देश का भविष्य आप जैसे प्रतिभावान युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। आज उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। जिन अभिभावकों और शिक्षकों के समर्थन तथा सहयोग से आपने ये रास्ता तय किया है वो भी बधाई के पात्र हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आपकी प्रतिभा और विकसित हुई होगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स का कार्य अत्यंत जिम्मेदारी भरा है। आपके निर्णय अनेक बार जीवन रक्षा से जुड़े होते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको इस जिम्मेदारी का बोध है तथा आपने उत्तरदायित्व का निर्वाह आप पूरी तन्मयता से एवं क्षमता के साथ करेंगे। मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर आप प्रायः ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। उनका सामना करते लिए आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। भावुकता से मुक्त होकर कार्य करने और संवेदनशीलता की कमी होने के बीच बहुत थोड़ा सा फैसला होता है। दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह देते हैं। उनमें डॉक्टर फ्रांसिस वेल्ड पिवाणी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उनका द केयर ऑफ द पेशेंट नामक लेख विश्व के कई चिकित्सा संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस लेख में उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज में बी एंटायरली इम्पर्सनल, द केयर ऑफ ए पेशेंट मस्ट बी कंप्लीटली पर्सनल, अनकोट। मैं समझती हूँ कि जब आपने ये कार्यक्षेत्र चुना होगा तो आपके मन में दया, करुणा और संवेदना के आदर्श रहे होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि ये मानवीय मूल्यों हमको मजबूत बनाते हैं, इसीलिए हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में इन जीवन मूल्यों के साथ काम करें। इससे आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा आपका जीवन सार्थक होगा। देवियों और स्वजनों, देश के सभी नागरिकों तो स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले एक दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस और MBBS तथा PG की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। नई एम्स भी स्थापित किए गए हैं। एम्स संस्थान कम खर्चों में अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज एवं मेडिकल एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं। एम्स संस्थानों के साथ देशवासियों का विश्वास जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दूर एवं एम्स के इलाज करने के लिए आते हैं। जिस डॉक्टर के साथ एम्स का नाम जुड़ा होता है उसके प्रति मरीजों में सम्मान की भावना बढ़ जाती है। मुझे ये जानकर हर्ष होती है कि एम्स रायपुर भी इसी परंपरा का को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2012 में स्थापित इस संस्थान ने अपनी कुछ वर्षों की यात्रा में ही बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसके लिए इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि चिकित्सा एवं लोक कल्याण के लिए एम्स रायपुर द्वारा कई कार्य किया जा रहा है।
यह संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ कुपोषण का उन्मूलन करने के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ के सिकल सेल क्लिनिक में मरीजों को इलाज प्रदान किया जाता है। सिकल सेल मरीजों की पहचान के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन को बहुत तेज गति से प्रभावित कर रही है। सुदूर क्षेत्र के लोग के कल्याण के लिए इन आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा सकता है। ये वर्ष की बात है कि एम्स रायपुर इस दिशा में प्रयासरत है। मुझे बताया गया है कि एम्स रायपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्र के डॉक्टरों को आपातकालीन स्थितियों में रियल टाइम मदद प्रदान की जाएगी। एम्स रायपुर द्वारा किए जा रहे इन कार्य से सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा नागरिकों का जीवन बेहतर होगा। मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये संस्थान जनहित के कार्यों में और बेहतर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। आपकी पीढ़ी के द्वारा किए गए कार्य इस राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आपको वंचित वर्गों की सेवा के कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। जो लोग साधन संपन्न होते हैं उनके पास अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वंचित वर्ग के लोगों की आशाएं आप पर ही टिकी होती है। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि सभी लोगों की, विशेषकर असहाय लोगों की सेवा में आप हमेशा तत्पर रहेंगे। विद्यार्थियों, जीवन से पेशेवर जीवन में कदम रखना एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने का उत्साह हमेशा बनाए रखें। हमेशा कुछ नया सीखने का भावना आपके लिए लाभदायक होगी। अपने कौशल का विकास करते रहें। एम्स के डॉक्टरों और विद्यार्थियों से ये आशा की जाती है कि आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं और एक महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कई अवसर पर आप तनावपूर्ण वातावरण में सेवा कार्य करेंगे। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें, उसका ध्यान रखें। मरीजों में विश्वसनीयता बढ़ाने एवं उनका बेहतर इलाज करने के लिए आपका स्वस्थ रहना तथा स्वस्थ दिखाना अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करती हूं कि आप जीवन पर्यंत सदाचार एवं अच्छे कार्य से अपने माता पिता, संस्थान एवं देश की कीर्तिमान बढ़ाते रहेंगे। मैं आशा भी करती हूं कि आप सभी सफल एवं सार्थक जीवन हेतु आशीर्वाद में भी देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।